सर के लिए होगी, और एमबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये बना दिया जाएगा कि पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट उनके नाम तस्वीर गवाए वो जो उनका बायोडाटा है दे वुड बी अवेलेबल ऑन दी पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर। और इसके अलावा जो तमाम सरकारी तकरीबात होती हैं रिसेप्शन या डेलीगेशन के विजिट उसमें भी जो भी नुमाइंदे होंगे उनको प्रॉपर रिस्पेक्ट इज्जत और उनको वो मकाम दिया जाएगा कि जो कि उनका होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली माजी में क्या होता रहा उस पर मैं कॉमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ये चीज़ इस तरह होगी। अब हम आ जाते हैं इलेक्शन प्रोसेस या स्केड्यूल की तरफ। इलेक्शन प्रोसेस इस तरह होगा जनाब कि वो तमाम लोग जो कंटेस्ट करना चाहते हैं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं बहसियत सदर या नायब सदर, वो तमाम लोग अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स सफारत खाने में 14 दिसंबर 2012 तक जमा करवा। जो नॉमिनेशन पेपर का फॉर्मेट है वो इसी जो आपको कागज़ तकसीम किए गए इसके ऊपर मौजूद है। 14 दिसंबर जो भी करना चाहें जिस पोजीशन के लिए करना चाहें कोई प्रेसिडेंट के लिए कोई नायब सदर के लिए वो उसको सर्कल करें और अपने वो भिजवा दें। 14 दिसंबर के बाद वो तमाम लोग जो कंटेस्ट करना चाहेंगे उन सबको सफारत खाने में बुलाया जाएगा, चाहे वो 10 हों 2 हों या 50 हों, जो जो करना चाहते हैं उनको बुलाया जाएगा और उनको मज़ीद इस सिलसिले में ब्रीफ किया जाएगा जो लोग कैंडिडेट्स हों। दूसरी चीज़ है वोटर्स रजिस्ट्रेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स तकसीम कर वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भी आपको तकसीम कर दिए गए हैं। तमाम लोगों से दरख्वास्त है आपके थ्रू मेरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरख्वास्त है कि तमाम लोग अपने जो वोटर्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं और एम्बेसी को ये आप इंफॉर्मेशन भेजते रहें। एम्बेसी इसकी एक डेटाबेस तैयार करेगी और इसमें से मुकम्मल नहीं लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी कि नाम और वाले साहब का नाम, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन। वोटर रजिस्ट्रेशन हमारे पास पूरा डाटा मौजूद होगा, वो तमाम वोटर इंफॉर्मेशन एम्बेसी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि आने वाले हफ्तों में एम्बेसी की वेबसाइट में ऐसी प्रोविजन डाली जाए कि लोग ऑनलाइन भी कोई रजिस्टर करना चाहता है तो वो भी कर सके, लेकिन मेन फोकस आपसे सबसे रिक्वेस्ट होगी आपके थ्रू कम्युनिटी से रिक्वेस्ट होगी कि ये जो तरीका फैक्स वाला है इसको अपनाएं, क्योंकि कंप्यूटर की समझ बूझ मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ है, तो इसलिए ये आसान सादा तरीका अपनाया गया कि इसको फिल करें एम्बेसी नंबर पर फैक्स कर दें और फैक्स करने के बाद अगर आपका नाम हफ्ते तक वेबसाइट की उस डेटाबेस में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट अस कि मैंने फैक्स किया हुआ है और वो मेरा नाम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वोटर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। इसका मतलब ये है कि आज 15 नवंबर 16 और 21 तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का वक्त है, तो तमाम लोग उस वक्त तक अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ये वोटर लिस्टें वेबसाइट पर मौजूद हैं। इन वोटर लिस्टों की बुनियाद पर एम्बेसी ये फैसला करेगी कि इलेक्शंस कहां कहां पर कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे कि टोक्यो में एक इलेक्शन टोक्यो में होगा जो कि टोक्यो के इर्द गिर्द के तमाम इलाके उसमें शामिल होंगे। इलेक्शंस इतवार वाले दिन किए जाएंगे, कोशिश ये की जाएगी क्योंकि इतवार वाले दिन ज़्यादा कन्वीनियंट है लोगों को आने के लिए, 10 से 4 बजे तक का टाइम रखा जाएगा, उस दौरान लोग आएंगे और वो लोग आकर वोट कास्ट कर सकेंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में करवाए जाएंगे। एग्जैक्ट डेट्स क्योंकि नए एम्बेसडर साहब भी आने वाले हैं थोड़ी सी उनकी भी टाइमिंग का ख्याल रखा जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंटेशन क्रेडेंशियल्स की और इस किस्म के मामले को ज़रा देखते हुए रफ टाइम फ्रेम जनवरी का आखिर फरवरी का शुरू होगा। ये इलेक्शन एक ही दिन नहीं होंगे, टोक्यो में एक दिन होंगे, हो सकता है एक दिन उसाका में हो, एक दिन फलां जगह हो, मुख्तलिफ जगहों पर।
फरवरी के आखिर तक जब तक इंशाल्लाह ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, तमाम वोट्स की काउंटिंग एक ही दिन होगी और वो एम्बेसी में होगी। उस दौरान फुल मीडिया कवरेज की इजाज़त, फुल ट्रांसपेरेंसी। जब वोटिंग होगी, ये थोड़ा सा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर, वोटिंग में तमाम उम्मीदवारों के एक एक नुमाइंदे को बैठने की इजाज़त होगी, प्लस वोटिंग प्रोसेस को कवर करने की मीडिया को पूरी इजाज़त होगी। वो लोग तमाम इस प्रोसेस को चेक करेंगे, एक एक नुमाइंदा उनका यहाँ पे मौजूद रहेगा। तमाम वोटिंग के बाद वोट्स सील कर दिए जाएंगे, वोट काउंट किए जाएंगे कि टोटल वोट कितने, ये नहीं कि किसके कितने, टोटल वोट कितने हैं उनको सील कर दिया जाएगा। तमाम नुमाइंदों के उसी एनवेलप या उस सील उसके ऊपर साइन लिए जाएंगे ताकि वो लिफाफा उसके बाद नहीं खुलेगा जब तक वोटिंग की गिनती का दिन नहीं है। इसी तरह दूसरी जगहों पर इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, तमाम वोट्स जो डाले जाएंगे एम्बेसी में आएंगे, एक दिन तमाम वोट्स खोले जाएंगे, सबके सामने खोले जाएंगे। इसी तरह वोटिंग की गिनती के वक्त भी उन्हीं नुमाइंदों के जो उम्मीदवारों का एक एक नुमाइंदा मौजूद होगा उनके सामने वोट्स खोले जाएंगे, फुल मीडिया कवरेज, और जो जो रिजल्ट्स होंगे वो स्क्रीन पर सामने आते जाएंगे कि टोक्यो में फॉर एग्जांपल 3000 वोट पड़ा जिसमें से मिस्टर ए ने इतने लिए, मिस्टर बी ने इतने लिए, मिस्टर सी ने इतने लिए। वोटिंग का जो तमाम मटेरियल है या रिकॉर्ड है वो सफारतखाना अपने पास रखेगा। नतायज का ऐलान मेरे ख्याल में इंशाअल्लाह करें ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो बाई एंड ऑफ फरवरी नतायज का ऐलान ऑफिशियली कर दिया जाएगा। कोशिश ये होगी कि 23 मार्च के रोज़ जो भी कामयाब उम्मीदवार सदर और नायब सदर होंगे उनको 23 मार्च का जो आपको पता है एम्बेसी में फंक्शन होता है उस रोज़ उनको फॉर्मली इनॉग्रेट कर दिया जाएगा कि उनकी प्रेजिडेंट